back to what used to be home. Passing by those little towns I know so well. Assalamu alaikum, hello everyone. वापस आ गए एक और वीडियो के साथ. तो चलते हैं गाइस आज काम पर और आपको साथ साथ बताता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं. तो आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है और जिस बारे में बात करेंगे वो ये है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पर या किसी भी टाइप के वीज़ा पर आएँ, जब आपने ऑस्ट्रेलिया में लंबा स्टे करना होता है तो जिन चीज़ों की आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है उनमें से एक होता है आपका बैंक अकाउंट और आपका डेबिट कार्ड, जिसे हम ATM कार्ड भी कहते हैं. तो आज हम ये बात बारे में बात करेंगे कि बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और आप कैसे खुलवा सकते हैं बैंक अकाउंट. तो इस बारे में आप बात करेंगे एंड मजीद बातें भी आपसे होंगी और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या प्रोसीजर होता है. चले शुरू करते हैं फिर, लेट्स गो. आज माशाल्लाह मौसम बड़ा जबरदस्त हुआ हुआ है. कल रात बारिश लगी रही है, कल सारा दिन बारिश हुई है. पिछले कुछ दिन जो थे ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी सिडनी में. आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कह रहा है, दिसंबर जनवरी चल रहा है और इस वक्त गर्मी. तो भाई जान ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ऐसे ही होगा. पिछले 3-4 दिन पहले तो समझे कहते हैं कि रिकॉर्ड ही टूटे हैं गर्मी के यहाँ पर और महसूस भी ऐसे ही होता था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मौसम काफ़ी बेहतर है. तो आज हमने सोचा कि कुछ जो काम है वो निपटा लिए जाए. अच्छा जी, हम आ गए हैं सेंट्रल मॉल में और यहाँ पे ये देख सकते हैं सब तरह की दुकानें हैं. ये वूलवर्थ्स है, जो जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है उसको इसका पता है. मतलब यहाँ से हम लोग सब अपनी ग्रोसरीज, अपने खाने पीने का सामान, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है और हम इधर से ही लेते हैं. एंड अभी बस अपना हम बैंक ढूँढ लें. नेशनल ऑस्ट्रेलियन बैंक में हम अकाउंट खुलवाने का मेरा प्रोग्राम है. तो अब हम देख रहे हैं कि वो किधर है. लेट्स सी. ये जी फाइनली तगो दो के बाद हमें बैंक मिल गया हमारा. ये पाकिस्तान वाली नैब नहीं है, ये नैब बैंक है, नेशनल ऑस्ट्रेलियन बैंक. तो अब चलते हैं, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, बट कोशिश करते हैं जल्दी काम हो जाए. अच्छा जी, बैंक वालों ने 5-6 मिनट का वेट का टाइम कह दिया. तो चले तब तक कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ. एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई यहाँ पर जिसके बारे में बात करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं और यहाँ पर अपने काम करवाने हैं, उसका क्या तरीका है, वो काम आपके कहाँ से हो सकते हैं और कौन से काम है जिनकी बात कर रहा हूँ मैं. तो ऐसे ही जहाँ पे मॉल्स में ही बैंक्स वगैरह बाकी ऑफिस होते हैं तो ये एक चीज़ होती है. सर्विसेज न्यू साउथ वेल्स करके. सर्विसेज न्यू साउथ वेल्स क्या है कि जिस भी स्टेट में आप होंगे ना उस स्टेट के ये ऑफिस होता है स्टेट का. कि अब जैसे मैं न्यू साउथ वेल्स स्टेट में हूँ तो सर्विसेज न्यू साउथ वेल्स करके ये ऑफिस होगा और मैं ऑफिस भी दिखाता हूँ आपको. देखें जी, ये अंदर ऑफिस है. जैसे हमारे पाकिस्तान में अब आया है ना खिदमत मरकज़, मतलब जहाँ एक ही जगह पर सारे काम हो जाते हैं, ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है ये भी. कि अब यहाँ पे आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, अपनी गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, गाड़ी की नंबर प्लेट रजिस्टर करवा सकते हैं, गाड़ी का टैक्स पे कर सकते हैं और अपना फ़ोटो कार्ड बनवा सकते हैं. कोई भी मतलब ऐसा आपका काम है ना जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा. सही है, मैंने अपना फ़ोटो कार्ड भी यहाँ से बनवाया था. उसके लिए आपको सिर्फ अपना प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी चाहिए होता है और उसकी $50-$60 फीस होती है साथ. वो 3-4 दिन के बाद आपके एड्रेस पर मेल कर देते हैं. अच्छा जी, अकाउंट हमारा माशाल्लाह ओपन हो गया है एंड सिंपल सा प्रोसेस था जैसे कि मैंने आपको बता दिया. और अब अकाउंट मेरा नहीं आया अभी, मतलब अकाउंट सारी ओपन हो गया बट कार्ड आते आते 3-4 दिन लगते हैं जैसे कि प्रोसेस होता है. लेकिन जो ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम है, ऑनलाइन ऐप है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, उसके थ्रू पेमेंट्स कर सकता हूँ अपने मोबाइल से, गूगल पे करके और अपने मोबाइल पेमेंट्स उसके थ्रू कर सकता हूँ. तो सिंपल सा प्रोसीजर है. इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी सिस्टम नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ अकाउंट में पैसे रखने लाजमी है या कुछ ना कोई फीस है, कोई ऐसी फीस कोई कुछ नहीं होता. आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. तो आएँ, अकाउंट खुलवाएँ और इन्जॉय करें.
तो जी ये था प्रोसीजर बैंक का अकाउंट खुलवाने का ऑस्ट्रेलिया में, और उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमें बताते रहें कि आपको क्या क्या कैसे जानना है, और हम भी फिर मोटिवेशन के साथ आपको दिखाते रहेंगे। और अभी तकरीबन 1:45 हो रहे हैं, तो हम जाकर दुआ पढ़ते हैं और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।